आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे श्रम कार्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आया है, सभी श्रम कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर आपको श्रम कार्ड में 1,000 रुपया का किस्त रिसीव नहीं हुआ तो ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से आपको 1,000 रुपया का किस्त नहीं मिला, और अगर अभी नहीं मिला है तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम श्रम कार्ड में 1,000 रुपया का किस्त सेंड किया जाएगा तो आपको जैसे रिसीव हो तो किन बातों का आपको ध्यान देना है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूं, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग उसको सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर जब भी हम लोग श्रम कार्ड का पैसा को चेक करते हैं तो बहुत का दिखाता है सक्सेस, मतलब उसको पेमेंट मिल गया, बहुत का यहीं पर दिखाता है पेमेंट फेल, तो बहुत का दिखाता है पेमेंट कैंसिल। तो ये किनके साथ हुआ है और आपके साथ हुआ है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, 1,000 रुपये किस्त अगर आपको नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे जिसके वजह से आपको पेमेंट रिसीव होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप श्रम कार्ड बनाए हैं तो वीडियो के साथ एक बार बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट जोर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया नया अपडेट हमेशा पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये श्रम कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम लोग श्रम कार्ड बनाते हैं। इधर राइट साइड में आपको रजिस्टर ऑन श्रम का ऑप्शन है, और अगर आप पहले से श्रम कार्ड बनाए हुए हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर, और यहां अपडेट का ऑप्शन है, तो आपका तो श्रम कार्ड बना हुआ होगा तभी आपको 1,000 रुपये का किस्त मिलेगा। तो अपडेट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना जो कि यहां पर देख सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड और श्रम में क्लिक करके भी आपका सेम ही ऑप्शन ओपन होगा, देख सकते हैं इस प्रकार क्लिक करना है तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर में आपको जाना है और अपडेट प्रोफाइल में आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे ही अपडेट प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर जो कि श्रम कार्ड में दिए थे, वो मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल के आपको सेंड ओटीपी करके अपना प्रोफाइल में लॉगिन कर जाना है। अभी प्रोफाइल में आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ अपडेट करना है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आप ऐसा अकाउंट नंबर को श्रम कार्ड में दिए हैं जो अकाउंट नंबर अगर ब्लॉक है, जो अकाउंट ओपन ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत पुराना ओल्ड अकाउंट नंबर को दे देते हैं जिसके वजह से श्रम कार्ड में जब भी डीबीटी पेमेंट सेंड किए गवर्नमेंट तो आपके अकाउंट में नहीं आया। तो जैसे अभी जैसे आप श्रम कार्ड का पैसा को चेक कर रहे हैं तो आपका पेमेंट फेल्ड या पेमेंट कैंसिल बता रहा है, क्योंकि आप जो भी अकाउंट नंबर श्रम कार्ड में दिए हैं वो अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं है जिसके वजह से आपका पेमेंट फेल हो गया। तो आपको इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, अगर आपको चेक करना है कि आपको श्रम कार्ड में पैसा मिला है कि नहीं मिला, उसके लिए पहले दो वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक श्रम कार्ड का पैसा को चेक करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दिए, आप लोग मोबाइल नंबर को फिल करके ही चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पर, उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, चेक श्रम कार्ड अमाउंट क्लिक हर में जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। फिर आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे जो श्रम कार्ड में दिए हैं, उस नंबर को फिल करके जैसे सर्च करते हैं तो आपका डाटा फाउंड हो जाएगा कि आपको श्रम कार्ड में पैसा मिला है कि नहीं मिला। अगर आपका दिखा रहा नो रिकॉर्ड फाउंड, जैसे कि इसका दिखा रहा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इसको श्रम कार्ड में 1,000 रुपये किस्त गवर्नमेंट सेंड ही नहीं किए हैं जिसके वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा, तो आप श्रम कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल करके ही सर्च करेंगे। अगर आपका दिखा रहा पेमेंट सक्सेस, मतलब आपको मिल चुका आपके अकाउंट में, अगर दिखा रहा पेमेंट कैंसिल या फिर पेमेंट फेल्ड, इस प्रकार का पेमेंट फेल्ड या पेमेंट कैंसिल, तो अभी क्या करना देखिए। तो जैसे आप अपना श्रम कार्ड को अपडेट करेंगे या फिर आप कहीं बाहर से श्रम कार्ड बनाए किसी और के पास, तो वहां पर जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा प्रोफाइल को अपडेट करना बैंक अकाउंट को, वहां पर आप वही अकाउंट नंबर देंगे जिस अकाउंट्स के साथ, जो अकाउंट आपका ऑन है, एक्टिवेट है, जो ट्रांजेक्शन अभी चल रहा है, मतलब बंद नहीं हो, केवाईसी वगैरह जैसे अकाउंट में रहे, उसके बाद आपका अकाउंट के साथ आधार लिंक होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पेमेंट सेंड करते हैं तो डीबीटी के थ्रू पेमेंट करते हैं जो कि आपका आधार के साथ जिसमें लिंक रहे, आधार के साथ जो अकाउंट अटैच रहे उसी में पैसा आता है। अगर आप श्रम कार्ड में ऐसा अकाउंट को देते हैं, अगर आपका मान के चलिए 2-3 अकाउंट है लेकिन आप श्रम कार्ड में कोई और अकाउंट दिए हैं और आपका आधार के साथ दूसरा अकाउंट लिंक है,
तो ई श्रम कार्ड का पैसा भी आपका उसी अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट के साथ आधार लिंक है। तो दो तीन अकाउंट है तो दूसरा अकाउंट में चेक कीजिए, हो सकता है आपका पेमेंट मिल गया है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पेमेंट सेंड करते हो डीबीटी के थ्रू, जैसे गैस का पेमेंट, कोई भी स्कॉलरशिप का भी अभी पेमेंट जा रहा है यूपी का, तो किसी भी प्रकार का डीबीटी पेमेंट गवर्नमेंट सेंड करेंगे तो आधार के साथ जो भी अकाउंट आपका लिंक रहेगा उसी में जाएगा। तो आपको चेक करने का सभी का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं, आधार कार्ड के साथ आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, चेक NPCI बैंक लिंकिंग स्टेटस उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दिए, जाकर चेक कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड में आपको पैसा मिला कि नहीं मिला उसका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दिए, आप लोग आके चेक कर सकते हैं कि आपको मिला है कि नहीं मिला। और आप लोग जो भी अकाउंट ई श्रम कार्ड में दिए हैं वो एक्टिवेट मतलब ऑन अकाउंट दीजिएगा जो ऑन रहे, और जो 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 भी अकाउंट आपका आधार के साथ लिंक रहे उसी प्रकार का अकाउंट को देंगे, कोई भी बंद अकाउंट नहीं देंगे, और आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है तभी आपको ई श्रम कार्ड में किस्त जो 1000 रुपया करके मिलेगा। तो जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।